प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हिम्मत, जोश और कामयाबी हासिल करने का जज्बा मन में लिए आगे बढ़ने वालों का रास्ता दुश्वारियां भी नहीं रोक पाती, बल्कि वो मुश्किलें मंजिल पाने के इरादे को और मजबूत कर देती हैं। राह में आने वाला बियाबान हो या पत्थरों को काटती नदी की धारा, वो भी बढ़ते कदमों को रोक नहीं पाते। और फिर आसमान का सीना चीरती पहाड़ की चोटी की मंजिल मकसूद तक पहुँचना मुमकिन हो जाता है। श्रीमती संतोष यादव एक ऐसी शख्सियत जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जैसी मंजिल तक एक नहीं दो बार शान से पहुंची। अनन्या के इस अंक में श्रीमती संतोष यादव की कहानी उन्हीं की जुबानी। आपसे बात कर रहे हैं ओम प्रकाश राठौर। लोग तो राय का पहाड़ बना देते हैं और आप हैं कि पहाड़ को राय बना देती हैं। क्या है ऐसा आप में खास? देखिए, मैं बहुत ही साधारण महिला हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे अंदर। ये तो आपका बड़प्पन है जो आपने इतना बड़ा मेरे लिए कहा है। जीवन में जो एक जज्बा होना चाहिए कुछ कर गुजरने का, एक मासूमियत से मैं करती चली गई। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगी कि मेरे अंदर लगातार कुछ भी करने की मैं क्षमता ही नहीं रखती, बल्कि एक ये मेरी हॉबी भी कहूंगी। और मुझे जब तक वह कोई भी कार्य पूरा नहीं होता मैं रिलैक्स महसूस नहीं करती, मुझे आराम करने का मन नहीं करता है। मेरा आराम ही वही है कार्यरत रहना, मिशन को पूरा करना। जैसे कहा कि साधारण बहुत छोटे से गाँव से, जिसका नाम आज जरूर लोग सुन रहे हैं, वर्ल्ड के नक्शे पे चला गया है, बहुत छोटा सा, चार फैमिली, जनसंख्या बहुत कम, उस गाँव में ही मैं पैदा हुई। शुरुआत की पढ़ाई मैंने वहीं से की 5वीं तक, उसके बाद 6ठी और 7वीं एक छोटा सा कस्बा जो सुधारूहेड़ा, 10 किलोमीटर आना जाना हो जाता था, 5 किलोमीटर जाना 5 किलोमीटर आना। तो वह मुझे याद है अभी भी, एक चढ़ाई थी वह, जब मैं स्कूल धारूहेड़ा में जाती थी 6ठी क्लास में जब एडमिशन लिया तो वो बहुत ज्यादा चढ़ाई नहीं थी। अभी मैं जब मैं अपने गाँव जाती हूँ या मैं अपने पेरेंट्स के पास जाती हूँ रेवाड़ी में, तो उस चढ़ाई को जरूर पार करती हूँ। और उस चढ़ाई को याद जब आती है मुझे, मैं कहती हूँ कि ये वही चढ़ाई है जो मैं बैठ जाती थी सुस्ता के पार करूंगी। बहुत ही नाजुकता से मैं पली, मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन, बिल्कुल ही स्पोर्ट्स दूर दूर तक मेरे जहन में नहीं था, ना ही मेरा कोई इससे लेना देना था। हाँ, पढ़ाई जरूर करना चाहती थी। पनपा कहाँ से विचार कि आपको पर्वतारोहण करना है, पहाड़ों पे चढ़ना है, और ऐसे पहाड़ भी नहीं, पहाड़ों के सरताज हिमालय को भी छूना है? क्यूरियोसिटी जो है एक ऐसी चीज है जो मेरी इंस्पिरेशन भी रही है। क्यूरियोसिटी एक ऐसा टूल मेरे पास रहा है जिसने मुझे एवरेस्ट तक पहुंचाया या हिमालय तक पहुंचाया। और मेरी जो शुरुआत हुई पर्वतारोहण की, वह ये एक क्यूरियोसिटी से ही हुई है। मैंने कभी देखा नहीं था पहाड़ कैसे होते हैं, बर्फ कैसी होती है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ कैसे होते हैं। मैं बहुत ही आपको ईमानदारी से बता रही हूँ, मैं कभी एवरेस्ट चढ़ने का सपना नहीं देखा था शुरू में। मैंने जब सुना इसके बारे में कि माउंटेनियरिंग होता है, वो भी एक कोइंसिडेंस की बात हुई, जब मुझे इसके बारे में ज्ञान हुआ तो मैंने इसको एक जिज्ञासु के रूप में माउंटेनियरिंग करने के लिए चली गई। यहाँ उत्तरकाशी में मैंने इसकी ट्रेनिंग ली। उससे पहले जब मैं इसके बारे में पता चला,
वह राजस्थान के जयपुर के अरावली झालाना डूंगरी पहली बार मैंने वो पहाड़ देखे थे। हॉस्टल में रहती थी। कोइंसिडेंस मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया वो इस तरीके से किया है कि महारानी कॉलेज के एनुबिसेंट हॉस्टल में एडमिशन नहीं मिला मुझे, क्योंकि हम लेट एडमिशन थे 38 गर्ल्स, तो हम लोगों को ओवर सीट हो गई, तो हम लोगों को यूनिवर्सिटी हॉस्टल में शिफ्ट कर दिया गया। और यूनिवर्सिटी हॉस्टल से ये झालाना डूंगरी बहुत दिखाई देती थी। मैं जब कमरे की खिड़की खोलती तो ये पहाड़ दिखाई देते थे। कभी ऐसा नहीं सोचा था कि पहाड़ चढ़ने जाना, क्योंकि मुझे ज्ञान ही नहीं था इसके बारे में, पर एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता था कि वहाँ क्या होएगा। हमेशा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको खोल के देखती, तो मन करता था वहाँ जाऊँ। अभी सोचती थी उस पहाड़ पे है क्या, उस पहाड़ पे नहीं उस एरिया में जाऊँ, मतलब ये कुछ था। सुबह बहुत जल्दी उठने की मेरी आदत शुरू से ही थी, तो अर्ली मॉर्निंग उठ करके मैं वहाँ पे गई, और वहाँ पे मैंने देखा कि लोग पत्थर पहाड़ खोद रहे हैं, और मैंने उनको ट्रेडिशनल ड्रेसेस में पाया। पेंटिंग मेरी हॉबी रही है, पेंटिंग से मैं उनको स्केच करने गई। वहाँ मुझे पता चला कि माउंटेनिंग भी कोई चीज होती है, वहाँ कुछ लोग रॉक क्लाइंबिंग कर रहे थे। एक दिन मैंने उनसे मुलाकात हुई, और जब उन्होंने बताया कि हिमालय पे जा सकते हैं, बर्फ के पहाड़ देख सकते हैं, तब मैंने इसके लिए डिटेल पता किया, और यहाँ पर मैंने एडमिशन लेने की ठानी की। वो बर्फ से ढके हुए पहाड़ देख के आने हैं मुझे, वो कैसे लगते होंगे ये, और मेरा अंदर से इमेजिनेशन और ये बढ़ता गया, क्यूरियोसिटी इतना जबरदस्त बढ़ता गया कि मेरे पेरेंट्स ने इवन मुझे अलाउ भी नहीं किया, जाने के लिए मना कर दिया गया। संतोष जी, आपको कभी लगा नहीं कि ये एक मेल डोमिनेटेड एरिया था उस समय जब आपने शुरुआत की? मुझे पता ही नहीं चला, कभी आपने ऐसा सोचा नहीं? मैंने नहीं सोचा, क्योंकि देखने में भी और थी भी मैं, आज भी मैं हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, साधारण जो महिला एक होती है वैसी ही हूँ। कोई मेरे पास एक्स्ट्रा, लोग तो मुझे आश्चर्यचकित थे, पूछते क्या सचमुच तुम एवरेस्ट क्लाइम की हो, सचमुच तुम पुलिस ऑफिसर रही हो, सचमुच तुम कमांडर रही हो। मैंने इतने फिजिकल करने के बावजूद भी लोग मुझे उस नजर से नहीं देखते। स्टेट ऑफ माइंड, वन हैव डिसाइडेड माय गोल, आई हैव टू अचीव दिस गोल, आई हैव टू रीच दैट हाइट। आपके माता पिता ने मना किया तो हाँ कब कहा आपको? हाँ तो उन्होंने एक्चुअली कभी कहा ही नहीं था, मैं उनकी हाँ ही समझूंगी इसमें, जो उन्होंने मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के आई थी, मैं दूसरी बार जो एवरेस्ट 10 मई 1993 में बनाया था, और उस वक्त मुझे सरप्राइज मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार ने, मेरे भाई ने गिफ्ट दिया कार एट द एयरपोर्ट, ब्रांड न्यू, मुझे बताया तक नहीं। अब जान सकते इतना बड़ा मेरे लिए वह एवरेस्ट पे जो क्लाइम करने का अचीवमेंट मुझे नहीं लगा। मुझे सबसे बड़ा क्या लगा कि मेरे पेरेंट्स ने इसको एक्सेप्ट किया, मेरे रिश्तेदारों ने इसको एक्सेप्ट किया, मेरे समाज ने इसको एक्सेप्ट किया, और वो एक्सेप्टेंस जो है वो किस तरीके से अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, केवल गले मिलकर के नहीं, बल्कि एक इतना बड़ा तोहफा। मैं इतनी बड़ी थी कि मुझे गाँव में कहते थे साहब क्या कर रहे हो आप, लड़की को दूध मलाई, मुझे अपने पैर पे बैठा कर मुझे खाना खिलाते थे। माँ भी उतना ही प्यार करती, लेकिन पिताजी का जो एक्सप्रेशन गाँव में नहीं कर सकते, तो मुझे कहते थे गाँव में, अभी भी कहते हैं गले का हार है। पहला कौन सा अपॉर्चुनिटी आपको मिली पर्वत पे चढ़ने की, पहले अवसर के बारे में कुछ बताइए। मेरा पहला नुनकुन माउंटेन था, डायरेक्ट मेरा इंटरनेशनल एक्सप्रेस में सिलेक्शन हुआ, ये एक बहुत बड़ा मेरे लिए शुरुआत थी। ये इसलिए हुई कि जब मैं इवन उत्तरकाशी में भी जब मैं गई, वह एक मटेरियल नहीं देखा जा रहा था कि मैं एवरेस्ट या बहुत बड़े माउंटेन चढ़ सकती हूँ, क्योंकि वही लुक डेलिकेट, ये भी पहाड़ चढ़ेगी क्या, ये भी माउंटेनिंग करेगी क्या। इवन इन द इंस्टीट्यूट अमंग द ट्रेनीज, बट एंड ऑफ द ट्रेनिंग आई स्टूड फर्स्ट, एंड मेरी जो परफॉर्मेंस थी सबसे बेस्ट आंकी गई, और मुझे स्पेशली मेजर एक्सपीडिशंस के लिए रिकमेंड किया स्ट्रांगली। मेजर एक्सपीडिशंस मींस अबव 7,000-8,000 एवरेस्ट, ये सब आ जाते हैं उसमें। जब मेरा नुनकुन किया उसमें मैं पहली महिला थी, और पूरे तो ये मेरा पहला एक्सपीडिशन था और पहला एक्सपीरियंस था। मुझे वो मोमेंट याद है कि जब मैं एवरेस्ट की चोटी पे पहुंची थी, मेरे अंदर कोई एक ना ही कोई इमोशनल फीलिंग थी, ना ही एक कोई एक एक्साइटमेंट था, नम, लेकिन मुझे इन्फॉर्म करना था, मेरी ड्यूटी थी मेरे लीडर को कि मैं सर पहुंच गई हूँ टीम के साथ और हम सब सुरक्षित हैं। वहाँ से जो नीचे से एक आवाज आई पूरी टीम मेंबर्स की, बाकी की अलग अलग टीम्स थी, विदेश सी टीम्स थी, 17 करीबन, सबके लोग वहाँ पर थे, हमारे हुकम सिंह साहब के पास मीटिंग ले रहे थे, उनके एक ही आवाज निकली, संतु बेटा तुम एवरेस्ट पे पहुंच गई, और उनके आवाज जो है वो चौक हो गई। मैंने इमीडिएटली आई कुड नॉट हेयर, मेरा आज भी आंसू आ रहे हैं, आई कुड नॉट हेयर दैट मोमेंट, यू नो इमोशनल था कि बहुत ही एक बहुत किस्म की एक महिला हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उस पॉइंट पे हमें बैलेंस रखना है, अपना संभालना है, क्योंकि हमने अचीव तो कर लिया है, लेकिन आप नीचे आना संभल करके, वही सही मायने में अचीवमेंट होगा। आप पहुंच तो गए लेकिन नीचे आना
पाना अपने आप को बैलेंस करते हुए, अपनी भावना, अपने जो अचीवमेंट है, जमीन को हमेशा पास में रखना है, ऊंचाई पे नहीं रहना। इतने सारे तो पड़ाव आपके रहे हैं 22,000-24,000 फीट के, इनमें भी क्या आपको पेचीदगी कभी महसूस हुई कि ये भी इन पे भी चढ़ना आपके लिए कभी चुनौती नजर आया आपको? देखिए, हर पहाड़ की अपनी अहमियत है। हिमालय एक ऐसा प्रकृति का भगवान है, हर कदम वहाँ पर, चाहे वह एवरेस्ट है, चाहे वह सासर कांगरी वन है। हम 3 दिन तक सासर कांगरी वन में फंस गए थे, हमारे पास राशन भी नहीं था प्रॉपर, क्योंकि हम लोड फ्री कर निकली गए और हमें वापस आना था। वेदर इतना खराब हो गया और रूट इतना टफ था कि हमारे लिए उस वेदर खराब में उस रूट को पार करना, नीचे आना बहुत ही कठिन था। 3 दिन तक लगातार हैवी स्नोफॉल हो रहा है, हम लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो भी हमारे पास लिमिटेड राशन था, हमारे पास अपने स्लीपिंग बैग्स नहीं थे, जो भी हमारे पास क्लोथिंग थे उन्हीं में हम लोगों ने किसी भी तरीके से गुजारा किया। रास्ता इतना डिफिकल्ट था कि आप अगर नीचे आएंगे तो कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से मेरे लिए सबसे बड़ा एवरेस्ट को मैंने न केवल साउथ कोल से ही बल्कि ईस्ट साइड से। ऐसा क्यों कि ईस्टर्न कोराकोरम की वेस्ट फेस साइड से आप गए? बिकॉज चैलेंज से आपको एक ताकत मिलती है, चैलेंज से आपको एक अनुभव मिलता है, और जिस व्यक्ति के पास अनुभव होता है जीवन को जीने का एक अंदाज ही अलग, एक्सप्लोर करना, थोड़ा सा हटके करने में एक अलग ही। ITBP में एक पुलिस ऑफिसर के रूप में आपने नौकरी की, वहाँ से किस तरह के एवेन्यूज मिले? एवरेस्ट क्लाइंब करना और ITBP ज्वाइन करने से पहले ही मैं माउंटेनियर, और मैंने कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके थे। ITBP में पुलिस ऑफिसर बनी, वो एक मेरा बहुत जबरदस्त मुझे अनुभव मिला उससे। न केवल मुझे चांसेस मिले एवरेस्ट पे जाने के लिए, पहली बार जब मैं गई थी एवरेस्ट वो ITBP के एक्सपेडिशन के द्वारा ही गई, कंचनजंगा भी उसी के द्वारा गई थी मैं। पहली बार आप कौन सी तारीख को? 12 मई 1992 पहली बार मैं गई थी। तिरंगा लहराया? हाँ, वो मोमेंट ही अलग था। 2 मई की बात है जब मैं पहली बार, हम लोग फाइनल टॉप पे जाने की बात चल रही थी और उसके लिए हम चल चुके थे, साउथ कोल में थे, पूरी तैयारी चल रही थी। रात के 1 और 2 के बीच में हम लोग लगभग उठे, 1:30 बजे के करीब तैयारी कर रहे थे जाने के ऊपर, देखा कि वेदर भयंकर रूप धारण कर रहा है। हम लोगों ने अपना प्रोग्राम पोस्टपोन किया और टेंट में वापस नीचे लीडर को रिपोर्ट किया। एक दिन वेट करके फिर अगले दिन वेदर साफ हुआ क्लाइंब करने का, क्योंकि माउंट एवरेस्ट वहीं पर है, आपको अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, फिट है तो दोबारा भी आ सकते। जब मैं नीचे जा रही हूँ 7 बजे के करीब लगभग सुबह हुआ, हमने देखा कि 2 व्यक्ति, पहले तो एक रेमंड जैकब जिसको कि मैंने देखा कि वो वहाँ पे पड़ा हुआ, मैं नहीं जानती थी कि रेमंड जैकब है। हमने दूर से देखा कि तो एक अजीब इंसान है कि रात भर बाहर कोई एक्सपीरियंस कर रहा है क्या। मेरे क्लाइंबर ने कहा दे मस्ट बी सम डेड बॉडी, हम उसके पास गए तो वास्तव में वो जिंदा है लेकिन ही वाज अबाउट टू डाई। आई सो इमीडिएटली आई सेड एंड हिज एक्सप्रेशन वाज दैट ही इज आस्किंग फॉर हेल्प। मैं तुरंत वहां से, क्योंकि जो मेरे साथ दे न्यू ईच अदर, तो ही बिकम वेरी इमोशनल अबाउट इट, बैठ गया। 26,000 की हाइट जहाँ ऑक्सीजन लेना शुरू करते हैं, वहाँ अगर मौसम खराब होता अपनी जान को बचाना मुश्किल होता है। मैंने कुछ नहीं देखा, अपना का पता नहीं कहाँ से मुझे ताकत आ रही थी, चलना मुश्किल होता है, एक कदम रखना बहुत मुश्किल होता है, एंड आई लिटरली दौड़ करके मैं अपने और दूसरे देश के और भी साथ क्लाइंबर थे उनके पास गई हेल्प के लिए कि उस क्लाइंबर की बहुत बुरी हालत है, कैसे उसको बचाया जा सके। मेरे दिमाग में जो सोच लिया तो मैंने सोच लिया, और पहले सबसे पहले हम अपने साथियों को कहा कि फटाफट एक ऑक्सीजन बोतल तैयार कीजिए और जो पानी ये बना रहे हो आप लोग फटाफट इसको एक थर्मस में डालिए और इसमें ग्लूकोज डालिए, इस प्रेजेंस ऑफ माइंड कि कैसे किसी किस तरीके से। एट द सेम टाइम आई एम टॉकिंग टू माई लीडर एंड डॉक्टर मिस्टर रामन जैकब फ्रॉम सिविलियन इंडियन एक्सपेडिशन टीम, इसकी ये हालत में है सर और क्या कर सकते हैं, मैंने इसको इस ढंग से फर्स्ट एड दे रही हूँ। हम कह नहीं सर प्लीज मुझे एक बार ट्राई करने दीजिए, और हम लोग गए कि हमने जैसे उनको ऑक्सीजन पे डाला और फिर पानी दिया, एज ही वॉज वेटिंग फॉर द लास्ट बी क्लाइम्स हमारे हाथों में, उसके बाद मैंने क्लाइम किया 92 में, 10 दिन के बाद मैंने क्लाइम किया। सेकंड मई की बात है। सर एक्सपेडिशंस को कवर करने के बाद आप मेरे सामने बिल्कुल सही सलामत बैठी हैं, ये क्या है, ये भाग्य है या आपकी डिसिप्लिन्ड अप्रोच है? कर्म एक ऐसी चीज है जो भाग्य को भी बदल देता है। मैं कर्म में बहुत बड़ा विश्वास करती हूँ। जो डिसिप्लिन की बात आती है वो बहुत ही अहम बात, मैं जिंदगी हर किसी को मैं बोलती हूँ और जिसको मेरे पिताजी ने मेरे माता ने सिखाया। अनुशासन जो है वह जीवन की आधारशिला है। अनुशासित रहना आपके जीवन की बुराइयों से आपको बचाता है, गलत आदतों से आपको बचा सकता है। इतना इलस्ट्रियस करियर आप कर रहा है, इस पैशन ने आपको कभी 1992 में महिला शिरोमणि दिलाया, महाराणा प्रताप अवार्ड दिलाया, हरियाणा का भीम अवार्ड दिलाया, राजीव गांधी एक्सीलेंसी अवार्ड दिलाया, नेचुरल एडवेंचर अवार्ड, के बिरला स्पेशल अवार्ड, भारत गौरव 95, राजीव गांधी स्पोर्ट्स अवार्ड, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आप आई, और तो और आपको जनवरी 2000 में पद्मश्री मिला, तो इनको आप कैसे देखते हैं? एकमात्र एनकरेजमेंट, दैट्स ऑल।
जब आपको पद्मश्री मिली थी, जाहिर है बहुत बड़ा सम्मान है, किसी इंसान को उसके जीवन काल में मिल जाए तो उसके लिए बहुत ही बड़े गौरव की बात होती है। तो आपको कैसा, जिस दिन आपको न्यूज ब्रेक की गई थी कि आज राष्ट्रपति महोदय आपको, मुझे बाद में पता चला कि प्रेस मुझे ढूंढ रही है, मुझे पता ही नहीं था कि मुझे अवार्ड मिल रहा है। मुझे रात के 3:30 बजे 26 जनवरी हो चुकी थी, ऑफकोर्स लाइट चली गई थी और बारिश बहुत तेज हो रही थी, नॉक नॉक कर रहे हैं कोई, तो मैंने इनको कहा कि कोई दरवाजा खटखटा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं बहुत अलर्ट होती हूँ, कहते नहीं नहीं बैल बजाएगा, ऐसे शायद लाइट नहीं है, सर्दी का मौसम तो पता नहीं चलेगा लाइट है, उनके लाइट नहीं शायद कोई है। इन्होंने खोला तो देखा तो ग्लास हाउस में कि हाँ कोई लोग बाहर खड़े हुए हैं, तो इन्होंने हाँ भी क्या बात है साहब टेलीग्राम है, तो ये घबराए टेलीग्राम कहाँ से, बोले साहब घबराइए मत खुशी का टेलीग्राम है, बोले यार सवेरे भी दे सकते तो ऐसा क्या खुशी हो गई करके, तो ये इनको भी नहीं एहसास हो रहा था कि ये इतना बड़ा कोई ऑनर का एक वो होगा, राष्ट्रपति जी से, होम मिनिस्टर साहब से, होम सेक्रेटरी साहब से, तीनों के अलग अलग टेलीग्राम। क्या लिखा था? ये मुझे बधाई पत्र थे कि आपको बधाई हो और आपको इस अवार्ड के लिए कन्फर्म किया जा रहा है, मैं शायद उस ईयर के यंगेस्ट अवार्ड थी। जहाँ भी आप गई हैं तो यंगेस्ट ही रही हैं। ये एक तरह से इसको मेरा हम्बल मैसेज समझे मेरे देशवासी युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, जो भी कार्य आप करें टाल मटोल न करके समय पे करें, समय को अपने पे बांध के रखें, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉर्चुनिटी को कल कर लें, कल पे नहीं छोड़, एक जिंदगी मिली है तो इसको जितना बढ़िया से जितना जल्दी हो सके, आपको ग्रेजुअल प्रोसेस चाहिए। संतोष जी, अब मैं उस पहलू पे आऊंगा जहाँ से आपके फैमिली लाइफ का वो दूसरे हिस्से का, जहाँ से मायके के बाद जो ससुराल का हिस्सा है, तो कैसे विवाह हुआ, किन से विवाह हुआ और उनका क्या रोल रहा आपके इस तरह के करियर में? मेरे पति का नाम उत्तम कुमार लाल है, बिहार से रहने वाले हैं, उनसे मेरी शादी 8 मार्च 1994 को हुई, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन, ये मेरी चॉइस से शादी हुई थी क्योंकि घर वालों ने नहीं देखा था, इन्होंने मुझे प्रपोज किया था और मैंने उनको बताया था, तो ये बहुत आसान तो नहीं था, जितना आसानी से मैंने बता दिया इसको, काफी दिक्कतें आई थी, लेकिन सपोर्ट की जहाँ तक बात है पूरा सपोर्ट रहा है, एनकरेज भी किया, बिफोर मैरिज भी एनकरेज करते थे कि मैं माउंटेन मैं जाऊं करूं, मुझे करना चाहिए, हम तुम्हारे साथ। जब संतोष जी से आप पहली बार मिले थे तो कहां मिले थे और इनकी कौन सी ऐसी खूबी थी, कौन सी ऐसी बात थी जो आपको एज अ पर्सन बहुत पसंद आई थी और आपने इनसे विवाह करने का सोचा? पहली बार इनसे मुलाकात मेरी हुई यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली साउथ कैंपस में, इनमें जो बहुत अच्छी बात लगी दैट वाज द विल पावर एंड डिटरमिनेशन, शी हैज गॉट ट्रेमेंडस विल पावर एंड ग्रेट डिटरमिनेशन, कुछ करने का एक जील है इसके अंदर जो मुझे काफ़ी आकर्षित किया। फिर हम लोग एक अच्छे मित्र बने, मित्र से जाहिर है कि बहुत अच्छी मित्रता हुई, उसके बाद हम लोग शादी के बारे में सोचना स्टार्ट किए, शादी हुई। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं कैसी लेडी से शादी कर रहा हूँ जो कि एक पहचान है, उनकी कद है, एक हिंदुस्तान में ऐसी लेडीज कम है, बहुत ना के बराबर समझिए, इतने कम प्रोफाइल से इतने ऊपर आई हैं, कभी आपको लगा तो नहीं कि इनकी इतनी बड़ी जो नाम है से मैं ओवरशैडो भी हो सकता हूँ, मतलब ये रिस्क आपकी पर्सनैलिटी में आ सकता है जो अक्सर एक मेल ईगो होता है, कभी आपको इस भय ने तो नहीं ग्रसित किया? सबसे पहले बात मैं ये बताना चाहूंगा, जब इनसे मेरी मुलाकात हुई तो ये शी वॉज नथिंग, मैं एक स्टूडेंट थी उस वक्त, माउंटेनियरिंग कोर्स करके रखी थी बट शी वॉज नॉट वेरी एक्टिव इन द माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन, तो तब से मेरी मुलाकात हुई, तब से हम लोग मित्र थे, परिवार, हम लोग एक परिवार बन चुके थे, तो उस परिवार जब बन चुका होता है तो फिर ये बात फील नहीं होती, आइदर वो आपका वाइफ हो या सिस्टर हो या ब्रदर, मुझे ऐसा कभी नहीं। और जाहिर है तब तो ये स्टूडेंट ही थी और अपना नाम बना रही थी। कुछ करने के लिए आपको कुछ रिस्क तो लेना ही होगा, यू हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क। मुझे लगता है कि भगवान से प्रार्थना के बल पे ही ये आज तक इतना दूर पहुंची है और भगवान सही सलामत रखे हैं, और मुझे लगता है कि आगे भगवान की इच्छा हुई और आशीर्वाद रहा तो सभी सही सलामत जिंदगी कट जाएगी। जितना जीवन आपने 89 से अभी तक साथ बिताया, इसमें आपने कभी ऐसा आपको महसूस हुआ कि आपने इनसे कुछ अनजाने में सीख करके अपनी पर्सनालिटी में उसको डाल के कुछ बेहतर खुद को बनाया है? नेचुरली मुझे भी सीखना पड़ता है, कुछ अच्छे चीज हो सीखते ही, लोगों का पर्सनल एफर्ट्स तो रहता ही है, मुझे पता नहीं, आई एम गॉड फेयरिंग पर्सन, गॉड में विश्वास भी करता हूँ, तो मुझे लगता है ये डेस्टिनी में होता है। दूसरा ये है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद से ये सब मिलता है, सभी को नाम नहीं मिलता, बहुत लोग आते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जहाँ तक मैं संतोष के बारे में सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि सी वाज डिस्टाइन, बेसिकली बाद में मैं एनालाइज करता हूँ तो मुझे लगता है कि सी वाज डिस्टाइन, बेसिकली डिटर्मिनेशन विल पावर है, वेरी डेलिकेट लेडी, पूर्ण लेडी है, तो मैं दूसरी लेडी और इसमें कोई खास अंतर नहीं पाता हूँ।
मेरे माउंटेनियरिंग कलीग हैं, उन्होंने कहा था इतनी यंग एज में वो भी लीडर जा रही है और वो भी ऐसे रास्ते से, इतना डिफिकल्ट रास्ता जिसने कि सर एडमंड हिलेरी एंड तेनजिंग नोर्गे जब क्लाइंब कर रहे थे उसी दिन 29 मई 1953 के दिन लेट सर जॉन हंट साउथ कोल में बैठ करके इस रूट को देखा था और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है दिस रूट विल नेवर बी क्लाइंब्ड। इवन 1924 में मैलरी का नाम तो सुना ही है, वह और उनके फ्रेंड पहली बार जब बेस कैंप में विजिट किए थे कांगसुम फेस एवरेस्ट का जो रूट है उसके बेस कैंप में विजिट किए थे तो उन्होंने कहा इट्स लेस वाइज टू क्लाइंब दिस रूट। उस रूट के लिए जब मैं प्लान कर रही थी तो ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने मुझे कहा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। वह माउंटेनियर्स का मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, ऐसे लोग थे, उन्होंने ये कहा ये खुद तो मरेगी और दूसरों को मार के आएगी। बहुत सी उपलब्धियां ऐसी करी हैं जिनको कि एक जीवन में आसानी से नहीं किया जा सकता। कौन सी चीज है, कौन सा सपना है जो आपका अभी पूरा नहीं हुआ? मेरे अभी तक के जो भी मैंने सपने देखे पूरे हुए हैं, मेरा सपना है, वह सपना मैं बहुत ही, उसके लिए मैं काफी पीपल्स तैयार करती रहती हूँ। मेरा उत्साह जो पहले था उससे कई गुना ज्यादा है, पहले मेरे पास कोई आधार नहीं था, आज बेस है। इस देश को विकसित देखने के अलावा, एक इकोनॉमिक्स स्टूडेंट रही हूँ, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, ट्वेल्थ में थी तो पढ़ती थी हमारा देश विकासशील देश, ये मुझे कहीं खटकता था। बाद में पूरे विश्व भ्रमण करने के बाद ये मुझे महसूस हुआ ये देश तो हमारे जब पढ़ाया जाता था कि ये देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, मैंने कहा नहीं ये आज भी है लेकिन इसका बैलेंस गड़बड़ा गया, सिस्टम गड़बड़ा। मैं विश्व में भ्रमण करने के बाद ये मुझे महसूस हुआ कि ये पूरा विश्व हमारे शास्त्रों पर आधारित विकास हुआ है, हम क्यों कहाँ पीछे हैं, उसी के उसमें लगी हुई हूँ और ये मेरा मानना है। इसके लिए मैंने काफी कुछ प्लानिंग कर रही हूँ, विश्व पीस, उसके लिए मेरा हॉस्पिटल हेल्थ के साथ में, और कोई कहे पीस कैसे छुपी हुई है, इसमें मैंने गर्भ संस्कार को जोड़ा। जब माँ गर्भवती होती है अगर वह माँ ये कह दे कि मुझे युद्ध नहीं चाहिए मुझे शांति चाहिए और उसके परिवार उसका साथ दे, उस महिला को इमोशनल एनवायरनमेंट क्रिएट करे, उसको सपोर्ट दे, जो हमारे शास्त्रों में दिया है गर्भ संस्कार के बारे में, उस तरीके से अगर प्लान किया जाए, जब तक एक अच्छा इंसान नहीं होगा ये प्रोसेस है जिस पे आप आगे चाहती, ये मेरा मिशन है विश्व जो है एक सिस्टम में आए। संतोष यादव, एक नाम, एक परिचय, एक हस्ताक्षर, आज हम उनसे मिले, इतने करीब बैठ के उनके दिल के कुछ जज्बात को टटोला, अभी भी नहीं लगता कि हम आपकी इस पूरी पुस्तक का एक भी पृष्ठ ठीक से पढ़ पाए, लेकिन वक्त की जो एक पैमाइश है नाप तोल के में दिया जाता है, उस नपे हुए समय में बस इतना ही हम आपको तराश पाए, इतना ही ढूंढ पाए। श्रीमती संतोष यादव ने यह सिद्ध कर दिया है कि लक्ष्य कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, यदि मन में सफलता पाने की कामना हो, एकाग्र चित्तता हो, तो मुश्किल लक्ष्य भेद पाना भी संभव हो जाता है। ये सदी तेरे नाम करते हैं, ये सफर तेरे नाम करते हैं, तुझसे फैली हर तरफ रौनक, चांद तारे प्रणाम करते हैं, कोशिशों का सफर जारी रहे, कोशिशों का सफर जारी रहे, दुआ हम सुबह हो शाम करते हैं, दुआ हम सुबह हो शाम करते हैं। अनन्या 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 अनन्या।